अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर, आज आपका 15th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर हमारा डेटाबेसिस के बारे में था, आपने उसे प्रिपेयर किया होगा। ये लेक्चर भी उसी से लिंक करता है। तो शुरू करते हैं हम अपना 15th लेक्चर। कोर्स और मोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन एक दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट होता है कि कौन डेटाबेस क्रिएट करता है, उसके बारे में बात होगी। डेटाबेस को जो मेंटेन करता है या क्रिएट करता है, उससे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, मॉडिफाई मतलब उसकी तमाम चीज़ों को मेंटेन करता है, उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द साइट एडमिनिस्ट्रेटर डिटरमाइंस हु इज अलाउड टू क्रिएट न्यू डेटाबेस। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही बताता है कि कौन न्यू डेटाबेस बनाएगा। दे कैन अलाउ ऑल मेंबर्स टू क्रिएट डेटाबेसेस और ओनली अदर एडमिनिस्ट्रेटर। ये चाहे तो सारे मेंबर्स को कह सकता है कि आप डेटाबेस बना लें, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ही बना सकते हैं। इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन सेट परमिशन फॉर डेटाबेस क्रिएशन। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हैं, या अगर आपकी डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की है, तो आप खुद से परमिशन सेट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो डेटाबेस बना सकता है और सारी चीज़ें उसको मेंटेन कर सकता है। आगे क्वेश्चन ये रेज होता है, वंस यू क्रिएट अ डेटाबेस, हु कैन एक्सेस इट। तो अगर हम डेटाबेस बना लें, तो उसके बाद उसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। कहते हैं इट्स अप टू यू। सबसे पहले ये आपके ऊपर है कि आप किसको डेटाबेस बनाने दें या नहीं बनाने दें। आपकी मर्जी है कि आप सारे मेंबर्स को बनाने दें, आपकी मर्जी है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को अलाउ करें, आपकी मर्जी है कि आपको, क्योंकि आपको फुल परमिशन है, आप स्पेसिफाई कर दें कि सिर्फ 3 कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं अलाउ करता हूँ, अगर मेरी एब्सेंस है, मेंटेन करना, ऐड करना, मॉडिफिकेशन करना, डिलीशन करना, जो भी है। इसलिए हमारी सेट ऑफ परमिशंस के ऊपर ही डेटाबेस क्रिएट की जाएगी और उसी को एक्सेस किया जाएगा। इट्स अप टू यू। एज द डेटाबेस क्रिएटर, यू कैन मेक द डेटाबेस अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स और टू जस्ट सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। वही बात उसने किया कि आपके ऊपर है ये कि आप ऑल मेंबर्स को एक्सेस देते हैं या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को देते हैं। ईच डेटाबेस यू क्रिएट कम्स विद अ फुल परमिशन सिस्टम दैट लेट्स यू स्पेसिफाई विच मेंबर हैव एक्सेस टू द डेटाबेस। वो कहते हैं जब आप डेटाबेस बना लेते हैं, तो फिर आपके पास फुल परमिशन होती है कि कौन से यूजर्स को, कौन से मेंबर्स को आप डेटाबेस एक्सेस देते हैं, एंड विच हैव नो एक्सेस, और किन को नहीं देनी। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सेस ईच मेंबर, और हम उसमें लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिर्फ रीड कर सकता है, ये सिर्फ व्यू कर सकता है, ये सिर्फ एडिट कर सकता है, ये सिर्फ डिलीट कर सकता है। मतलब इस तरह हम उसको लेवल्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो आगे फॉर एग्जाम्पल में लिखा है, यू कैन लिमिट सम मेंबर्स टू ओनली व्यू इंफॉर्मेशन वाइल अदर कैन ऐड और एडिट इंफॉर्मेशन। वही बात इसने भी किया कि अगर हम किसी को लिमिटेशन में लगा दें कि भाई जान सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, आप किसी को चेंज नहीं करते, जिस तरह अक्सर आप के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ आप उसको व्यू कर सकते हैं, ना ही उसके ऊपर से कोई कॉपी कर सकते हैं डेटा, और ना ही कोई मतलब आप उसमें से चीज़ गेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सिक्योर बनाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र है वो देख सके, ना कि इसको एडिट और डिलीट वगैरह कर सके। फिर आगे आ जाते हैं हम
you can use the permission system to allow other member to help you manage your database. इसमें एक और भी हम परमिशन सेट कर सकते हैं अदर मेंबर्स के लिए कि वो हेल्प कर सकें और मैनेज कर सकें डेटाबेस को. अ मेंबर हु हैज़ मैनेज और एक्सेस टू द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजर. वो कौन है जो मैनेज करेगा और हेल्प करेगा, उस बंदे का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजर. नाम से पता चल रहा है मैनेजर का काम होता है चीज़ों को मैनेज करना. डेटाबेस मैनेजर कैन चेंज एनी आस्पेक्ट ऑफ द डेटाबेस. वो कोई भी आस्पेक्ट उसका चेंज कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास फुल परमिशन होती है. दे कैन क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड एनी रिकॉर्ड. दे कैन ऑल्सो चेंज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस. इवन कि वो चाहे तो वो पूरे का पूरा डिज़ाइन भी चेंज कर सकता है. इवन डिलीट द एंटायर डेटाबेस, और वो चाहे तो पूरी की पूरी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है. होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी. आगे चलते हैं. कहते हैं रोलिंग आउट अ न्यू डेटाबेस. मैं कहता हूँ कि मेरा एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ या कोई भी न्यू साइट है, तो मैं उसमें पूरी की पूरी साइट जो है वो इनेबल करना चाहता हूँ. आगे से स्टार्ट करते हैं. वंस योर डेटाबेस इज वर्किंग, जब हमें पता चल जाए हमारी डेटाबेस वर्क कर रही है, यू शुड थिंक अबाउट हाउ टू रोल आउट द डेटाबेस टू योर वेब ऑफिस मेंबर्स. वो कहते हैं कि जब मेरा वर्किंग हो जाए और जब मेरे सारे काम डेटाबेस में ठीक हो रहे हों, फिर मैं रोल आउट करना चाहता हूँ अपनी डेटाबेस को अपने वेब ऑफिस के मेंबर्स में. तो उसके लिए गुड अप्रोच क्या है? अ गुड अप्रोच इज़ टू क्रिएट अ स्मॉल टेस्ट ग्रुप. उससे पहले हम एक टेस्ट ग्रुप के तौर पे, मींस के जिस तरह ये हमारी आपकी ऐप्स बनती हैं, एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप्स बनती हैं, तो इनका पहले टेस्टिंग फेज होता है. ये एकदम से लॉन्च नहीं कर दी जाती है, पहले इसको हंड्रेड या बंच ऑफ पीपल्स में इसको टेस्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक लॉजिकल वे में डिफरेंट अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव के थ्रू उन ऐप्स को चेक करता है. जब वो टेस्टिंग हो जाती है, एक सर्वे कंप्लीट किया जाता है कि इसके ऊपर इतनी बार टेस्टिंग हो चुकी है, इसमें ये चेंजेस होनी है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तो क्या होता है कि जब सारा टेस्टिंग फेज गुजर जाता है, फिर उसके बाद वो सारी चेंजेस हो जाती हैं, उसके बाद फिर टेस्ट किया जाता है फाइनल में, और उसके बाद लॉन्च किया जाता है. वही बात यहाँ पे कह रहा है कि आपको पता चल गया आपकी डेटाबेस वर्क कर रही है, लेकिन मैं अपने मेंबर्स में इसको करना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन उससे पहले थ्रू आउट पूरी डेटाबेस में नहीं करना चाहता. तो मैं क्या करता हूँ, एक गुड अप्रोच स्मॉल एक टेस्ट ग्रुप बनाता हूँ जो यूज़र करेंगे ट्राई. उसमें क्या होगा, वो चेक कर सकेंगे कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या हमारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो चेक करेंगे. लिमिट एक्सेस टू जस्ट योर सेल्फ एंड दीज मेंबर्स, और उसमें हम लिमिट्स जो है वो सेट कर देंगे जिसमें आप होंगे और आपके मेंबर्स होंगे. लेट योर टेस्ट ग्रुप ट्राई इट आउट फॉर अ फ्यू डेज एंड टेकन एंड देन मेक एनी नेसेसरी चेंजेस. और अगर उसमें कोई चेंजेस होने वाली हो तो वो आपको यूजर्स बताएंगे कि हमने ये टेस्ट किया था तो ये क्लिक परफॉर्म नहीं हो रहा था, हमने अगर स्क्रॉल किया था तो स्क्रॉल नहीं हो रहा था, अगर हमने कोई पिक्चर लेनी थी तो ये कैमरे का आइकन पिक्चर नहीं ले रहा. तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस डेटाबेस में भी, इसी तरह के क्रड ऑपरेशन या फील ऐड नहीं हो रही, रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें. व्हेन यू आर रेडी टू रोल आउट टू योर फुल साइट मेंबरशिप, चेंज द परमिशन सेटिंग ऑन द डेटाबेस सो ऑल ऑफ मेंबर ऑफ योर साइट कैन एक्सेस इट. और उसके बाद जब आप फाइनल चेंज कर दें और उसके बाद पूरी की पूरी साइट को आप परमिशन सेटिंग से उसे इनेबल कर दें कि मेरे सारे जो ऑफिस के मेंबर हैं उसको एक्सेस कर सकें. होपफुली यहाँ तक आपने गेट किया होगा. आगे हमारा एक टॉपिक आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का. कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं? नाम से हमें पता चल रहा है हमें जो कंप्यूटर के ऊपर इमेजेस और इमेजेस के अंदर टेक्स्ट और आइकन्स और बहुत सारे इमेजेस, मतलब अगर हम उसको इमेजेस को मिलाएं या फिर अगर वीडियो को मिलाएं तो एक पूरी
रिकॉर्ड वीडियो बन जाती है। तो इसके साथ साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स में का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंप्यूटर की फील्ड में, क्योंकि इंसान की एक नेचर है कि वो रीडिंग मतलब टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ लिखा हो तो उससे इतनी जल्दी गेट नहीं करता जितनी जल्दी किसी इमेज के थ्रू गेट करता है चीजों को। क्योंकि इमेज के या किसी ग्राफिक आइकन के हमारे माइंड इम्प्रेशन में सेट हो जाते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर कहीं लिखा हुआ हो एम, तो आपका फौरन से जो माइंड जाएगा वो क्या जाएगा कि ये जो एम लिखा हुआ है येलो कलर में बड़ा सा, ये मैकडॉनल्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसी की जगह अगर कहीं पैराग्राफ लिखा हो कि अगर आपने मैकडॉनल्ड जाना है तो पूरा पैराग्राफ रीड करना होगा और फिर आपको उसकी लोकेशन पता चलेगी, तो आप सिंपली किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, तो आप सिर्फ कहें कि मैंने मैकडॉनल्ड जाना है और आपको कहीं दूर से साइन नज़र आएगा एम का, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा यहाँ मैकडॉनल्ड है। इसी तरह अगर KFC जाएंगे तो एक उसका स्पेशल आइकन है, एक स्पेशल ग्राफिक्स, एक स्पेशल कलर स्कीम यूज की गई है जो किसी और आइकन्स में नहीं है। इसी तरह बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं, अगर आप जे डॉट का देखें तो जो जे डॉट जहाँ पे भी लिखा होगा आपको पता चल जाएगा ये जुनेद जमशेद की ये जो शॉप्स वगैरह हैं ये वो हैं। और अगर आप गुल अहमद का देखेंगे तो उनका भी एक स्पेशल कलर का जो है वो आइकन और एक ग्राफिक कलर कॉम्बिनेशन है वो इस तरह। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास यूज़ किए जाते हैं चीज़ें जिनमें कंप्यूटर ग्राफिक का बहुत बहुत रोल प्ले किया जाता है और इसके थ्रू कंप्यूटर की फील्ड में बहुत एनहांसमेंट हुई है। आगे की बात करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर ग्राफिक्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर, हमें अच्छी तरह पता है जब भी हमें कोई ग्राफिक का काम करना होगा तो हम कंप्यूटर ही यूज़ करेंगे। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज डाटा बाय द कंप्यूटर स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्राफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और अगर हमने किसी इमेज के डाटा को स्पेसिफिकली अगर कहीं उसको एडिट डिलीट या स्पेशलाइजेशन उसमें कोई करनी है तो हमारे पास ग्राफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए। द इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा हैज़ बीन मेड ईजियर बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। बहुत सारी चीज़ें जो हमें जिनसे इंटरेक्शन करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कंप्यूटर्स की चीज़ों को, इंटरप्रेट करना पड़ता है किसी भी डाटा को, वो हम किसके थ्रू ईजियर हो जाता है कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू। कंप्यूटर ग्राफिक डेवलपमेंट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मैनी टाइप्स ऑफ मीडिया एंड हैव रेवोल्यूशनाइज्ड एनिमेशन मूवीज एंड द वीडियो गेम इंडस्ट्री। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक की फील्ड ने तहलका मचा दिया, रेवोल्यूशन ले आए एक एनिमेशंस में। पहले इतने कार्टून्स की सीरीज नहीं होती थी या एनिमेशंस नहीं होती थी, या पहले इतना मीडिया स्ट्रांग नहीं होता था, या पहले इतने आपको ग्राफिक्स में इतने आप कह लें कि आइडियाज़ या इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती थी, या इतना कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल नहीं रखा जाता था, या इतना टेक्स्ट का नहीं रखा जाता था। तो क्या हुआ, कंप्यूटर ग्राफिक ने एक इस इंडस्ट्री में एक न्यू रेवोल्यूशन, एक जदीद तरीके चीज़ों से हमें आगाह किया और बहुत सा फ़ायदा पहुंचाया। द टर्म ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज़ बीन यूज इन ब्रॉड सेंस टू डिस्क्राइब ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर दैट इज नॉट टेक्स्ट और साउंड। इसमें वही बात कर रहे हैं, कहता है कि हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक्स की फील्ड में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हर चीज़ जो है जो आपके कंप्यूटर में है वो टेक्स्ट में हो या साउंड में हो, वो ग्राफिक्स में भी हो सकती है। टिपिकली द टर्म कंप्यूटर ग्राफिक रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट थिंग्स, उसमें दो तीन चीज़ों के बारे में इसने डिस्कस किया। द रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेज डाटा
बाय द कंप्यूटर। हम किसी भी इमेज को अपनी तरफ से जो मर्जी उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहें या उसे चेंज करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें अपने तरीके से या किसी यूजर के तरीके से, तो हम कर सकते हैं बाय द कंप्यूटर। वेरियस टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट इमेजेस, और हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट ला सकते हैं, उसमें कलर स्कीम ला सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी तरह से। द सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच स्टडीज मेथड्स फॉर डिजिटली सिंथेसाइजिंग एंड लिस्ट मैनिपुलेट विजुअल कंटेंट, सी स्टडी फॉर द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और हमारे पास इसकी जो सब फील्ड्स आती हैं वो डिजिटली अगर हम काम कर रहे हों या अगर कोई चीज़ लिस्ट मैनिपुलेट्स करनी हो, विजुअल कंटेंट जो हमें नज़र आ रहा है, विजुअल जो है उसको अगर चेंज करना हो, तो वो भी हम बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स उसे चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं, कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वाइड स्प्रेड टूडे, आज के दौर में ये बहुत बहुत फैल चुका है। द कंप्यूटर इमेजरी is found on television, in newspaper, for example in weather reports, or for example in all kind of medical investigation and surgical procedures। और computer graphics जो है वो use हो रहा है हमारा television के अंदर, newspapers के अंदर और weather reports के अंदर use हो रहा है। medical investigation जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत use किया जा रहा है, surgical procedures में use किया जा रहा है, क्योंकि असल में तो कहीं यूज़ मतलब ना हो रहा, मतलब बहुत सारी ऐसी है कि आप लाइव चीज़ें नहीं होंगी लेकिन आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू उसमें एक कह लें कि इमेजिनेशंस के तौर पे, आपको इमेज के तौर पे आपको उन चीज़ों से गाइड किया जा रहा है, उन चीज़ों से लर्निंग फेज भी आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब वेल कंस्ट्रक्टेड ग्राफ कैन प्रेजेंट कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स in a form that is easier to understand and interpret। और अगर कोई well structured graph हो या कोई भी graphic image हो या कुछ भी हो, तो उसमें graph हो उसमें आपको तकरीबन सारी चीज़ें understand हो जाती हैं और आपको एक stat बना हुआ नज़र आ जाता है कि कौन सी चीज़ें up हो रही हैं, कौन सी चीज़ें down हो रही हैं, कौन सी चीज़ें average में रह रही हैं, तो ये सारे के सारा computer graphic के ऊपर होता है। कहते हैं इन द मीडिया सच ग्राफ्स आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट पेपर रिपोर्ट्स थीसिस एंड अदर प्रेजेंटेशन मटेरियल, और हमारे कुछ जो है वो सच ग्राफ्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इलस्ट्रेटर पेपर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए जो हम थीसिस जो बनाते हैं रिसर्च पेपर के लिए, और अदर प्रेजेंटेशन मटीरियल जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। मैनी पावरफुल टूल हैव डिवेलप इन विजुलाइज डाटा, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो डिवेलप किए विजुलाइज देखने के लिए डाटा को। द आगे कहता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एंड एनिमेटेड ग्राफिक। 2D 3D जो हमारे पास मूवीज़ होती हैं उसमें जो ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं वो एनिमेशन यूज़ किए जाते हैं। एज टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूवमेंट 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स हैव बिकम मोर कॉमन, और जो ग्राफिक्स हैं हमारे पास 3D वो आज के दौर पे बहुत कॉमन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसकी यूज़र डिमांड है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है यूज़र के इसके साथ, और एक रियलिटी इसमें शो होती है हमारे। बट 2D कंप्यूटर वॉज स्टिल वाइडली यूज, अभी भी 2D यूज़ किया जा रहा है, एक्सेल ग्राफिक की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आगे आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज इमर्ज्ड एज अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच स्टडीज मैथड्स ऑफ डिजिटल सिंथेसाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग विजुअल कंटेंट ओवर द पास्ट डिकेड। अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड हैव बीन डेवलप्ड लाइक इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन एंड साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, मोर कंसर्न्ड विद द विजुअलाइज ऑफ थ्री डायमेंशनल फिनोमिना, आर्किटेक्चुरल, मेट्रोलॉजिकल, मेडिकल, बायोलॉजिकल, where the emphasis in realistic rendering
of volume, surface, illumination, source and force, graph, paragraph with dynamic time component. यहाँ पे वही बात कर रहा है, कहते हैं कि ग्राफिक्स ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेटरी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया एज कम्पेयर टू टेक्स्ट या एज कम्पेयर टू इमेज. मतलब ग्राफिक्स में हमने एक किस्म की उस उन चीज़ों में जान डाल दी, और अगर हमने किसी को भी कोई चीज़ समझानी होती थी, कोई भी ग्राफिक कि उसको इमेज या उसके लिहाज से उसका कोई भी मॉडल तैयार करते थे 2D या 3D, उससे हम सारी चीज़ों को आराम से लर्निंग से प्रोसेस के थ्रू से गुजारते थे और आपको उन चीज़ों के बारे में समझ आ जाता था. कोई भी हमने 2D का मॉडल बनाया, कोई भी 3D का मॉडल बनाया, उसको समझना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू, या उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट वगैरह. और फिर उसके बाद जो इसमें जैसे जैसे हाफ सेंचुरी के अंदर जो है तरक्की होती गई, इसमें इन्हांसमेंट होती गई इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हुआ वो आर्किटेक्चरल लेवल के ऊपर हुआ. क्यों? क्योंकि उसमें भी ग्राफिक्स का काम यूज़ किया जाता है. पहले आर्किटेक्चर जो है वो हाथ से मतलब ड्रॉ करते थे सारी चीज़ों को, और लेकिन उसके बाद फिर कंप्यूटर के ऊपर कुछ ऐसे टूल्स आए, कुछ ऐसे ग्राफिक्स मोड्स आए जिसको यूज़ करते हुए एक अच्छा आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं. मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ इस ग्राफिक्स के थ्रू, और बायोलॉजिकल काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ. सेल्स और सरफेस और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई. तो कंप्यूटर ग्राफिक ने ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काम किया बल्कि मेडिकल की फील्ड में बहुत बहुत वास्ट काम किया. होपफुली आपका ये लेक्चर समझ आया होगा और इसको प्रिपेयर कीजिए. तकरीबन हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल में एक लेक्चर शायद रहता है जो प्रीवियस है, ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा. इसको आप प्रिपेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह.